नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज पर पटना सिटी से है। पटना सिटी के बॉलीमोड स्थित गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के कैंपस में रहने वाले दर्जनों लोगों ने गुलजारबाग डिवीजन बिजली ऑफिस के जेई अमित कुमार पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाते हुए बिजली ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन व हंगामा किया। बताया जाता है कि जेई अमित कुमार बिजली कनेक्शन देने के एवज में 18 उपभोक्ताओं से 3000 से 5000 रुपए रिश्वत लिया है। वहीं इस मामले में वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रतिनिधि बलराम चौधरी ने पहल कर गरीब उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने की मांग की, तो जेई अमित कुमार द्वारा अभद्र व्यवहार कर जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया गया, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि और उपभोक्ताओं ने हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां लिए गुलजारबाग बिजली ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया और जेई अमित कुमार पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जेई अमित कुमार पर जांच किए जाने की सांत्वना दी। वहीं इस पूरे मामले पर गुलजारबाग बिजली विभाग के अधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया कि जेई अमित कुमार पर रिश्वत लिए जाने का आरोप बिल्कुल गलत है। जिन उपभोक्ताओं का जैसे जैसे नंबर आ रहा है उसी ढंग से बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। कनीय अभियंता श्री अमित कुमार के द्वारा 18 कनेक्शन में लगाने के नाम पर 3000 से 5000 लोगों का, गरीब लोगों का लेने का काम किया है, रिश्वत लेने का काम किया है। जब इस लाइन उपभोक्ताओं को लगाने के लिए आग्रह किया तो अपमानित ढंग से जनप्रतिनिधियों के साथ पेश होने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि बिजली कनेक्शन हम नहीं लगाएंगे, आपको जहां जाना है जाइए। हमने आज लोकतंत्र के माध्यम से यहां पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए बैठे हैं कि एक कनीय अभियंता घुसखोर जो 3000 से 5000 रुपए लेकर बिजली कनेक्शन लगाने का काम किया है और जिनका नहीं लगा है, गरीब जो गरीब लाचार बेसारा वैसे लोग आज लाइन से वंचित हैं। आज महरूम कर दिया गया है, लाइन से वंचित रखने का काम किया गया है। आज ये लोग सरकार और बिजली विभाग के विरोध प्रकट करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का काम कर रहे हैं। मौलिक अधिकार से वंचित रखने का काम कन्या अभियंता करने का काम किया है, ये गुनाह करने का काम किया है। ऐसे कन्या अभियंता को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और मांग है कि जल्द से जल्द इसकी जांच होकर कन्या अभियंता गिरफ्तारी हो। गुलजारबाग डिवीजन का कुछ लोगों ने घेराव किया है, उन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जेई जो है पैसा लेकर काम कर रहे हैं, पूरा क्या सच्चाई है? ऐसा कोई इशू है नहीं, वो जो वहाँ जो लोग थे उनका वार्ड कमिश्नर साहब मेरे से खुद 20 दिन या पहले हमसे ऑफिस चैम्बर में ही मिले थे कि सर इन लोग का गुरु गोविंद सिंह कॉलेज कैंपस में लोग रह रहे हैं, इन लोगों के पास कोई कनेक्शन नहीं है और अवैध रूप से या पहले जो हम लोग को ओपन तार था उसमें से लोग कुछ कुछ बिजली यूज करते थे, तो हम उनको खुद बोले कि आप अप्लीकेशन दे दीजिए, हम खुद यहाँ अप्लाई करवा देते हैं। मैं यहाँ गुलजारबाग डिवीजन खुद अपना सुविधा के थ्रू उनका अप्लाई भी करवाया और क्रमशः कनेक्शन रिलीज भी किया जा रहा है। बीच में कुछ लोग का, कुछ जनप्रतिनिधि लोग का ही मेरे पास कॉल आया था, कुछ लोग अवैध वसूली कर रहा है वहाँ, तो उसके बारे में हम पता भी करवाए थे। अब फिर वो उन्हीं का लोकल बंदा था जो लोग इसमें कंप्लेन जो कर रहा था कि पैसा कलेक्शन अवैध रूप से कर रहा है, वो खुद भी वो जो है अपना रिटर्न भी साथ कर, फिर बाद में उनको पता चला कि लोग को रिटर्न भी किया है। डिपार्टमेंट का इससे कोई सर अधिकारी के आदेश के बावजूद भी बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा है, ये मतलब नहीं, ऑलरेडी जो ऐसा इशू नहीं था, कनेक्शन तो हो ही रहा था, जैसे जैसे लोग का अप्लाई हो रहा है जैसे जैसे लोग का कनेक्शन रिलीज।